सो हाय गाइज, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A30s। आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये फ़ोन तकरीबन आपको 17,000 रुपये, मतलब 17,000 रुपये कीमत में, ये फ़ोन तकरीबन आपको 17,000 रुपये कीमत में देखने को मिलेगा। और 4 GB 64 GB वाला वेरियंट है। इसका जो कलर वेरियंट है वो प्रिज्म क्रश वॉलेट कलर है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं फ़ोन कैसा है। सबसे पहले आपको बॉक्स में एक फ़ोन देखने को मिलेगा जो कि ब्लू कलर से डिज़ाइन दी गई है यहाँ पर, और काफ़ी यूनिक कलर लग रहा है। काफ़ी अच्छा कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्सचर की बात करते तो टेक्सचर यहाँ पे मतलब अलग ही डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे आपको कटआउट्स दिख रहे होंगे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस बॉक्स में आपको एक एयरफोन देखने को मिलती है सैमसंग की बेसिक सी, और एक USB टाइप सी की केबल देखने को मिलती है। जो चार्जर देखने को मिलता है, चार्जर आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का, और 9 वोल्ट 1.6 एम्पियर, मतलब फास्ट चार्जर है। 15 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक TPU केस दिया गया आपको, और आप इसमें TPU केस भी देख सकते हैं इस बार सैमसंग के फ़ोन में। फ़ोन की कीमत तकरीबन 17,000 रुपये, एंड डिजाइन एंड इंजीनियर बाय सैमसंग, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी एक यूनिक सा कलर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें वाइट कलर भी आपको देखने को मिलता है। तो मैंने फ़ोन को ऑलरेडी ऑन कर लिया है, और यहाँ पर देखते हैं फ़ोन कैसा है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट इसका सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसा है। हालांकि फ़ोन में जो डिस्प्ले दी हुई है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो आपको काफ़ी अच्छे एंगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फ़ोन के बैक साइड की बात करते हैं तो फ़ोन में ट्रिपल कैमरा दिए हुए हैं आपको, जो कि 25+8+5 MP के ट्रिपल रियर कैमरा दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक वाइड एंगल का कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं कैमरा ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको दिखा दूँ कि वाइड एंगल का कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें वाइड एंगल का कैमरा देखने को मिलता है, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। तो चलिए बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और आपको बताता हूँ कि फ़ोन कैसा है, क्या आपको 17,000 रुपये कीमत में से ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। फ़ोन में आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले दी हुई है, जो कि 720p+ के पैनल के साथ में आती है। और इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD+ की डिस्प्ले भी नहीं देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन वाली बात है कि आपको यहाँ पे फुल HD+ की डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पे केवल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि फ्रंट कैमरा जो सैमसंग का होता है वो इतने अच्छे तरीके से मतलब फोटोज़ वगैरह नहीं ले पाता है। 25+8+5 MP ट्रिपल रियर कैमरा दिए हुए हैं, जो कि वाइड एंगल की फोटोज़ ले लेते हैं। फिंगरप्रिंट की अगर आप बात करते हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी माइक दिया हुआ है। यहाँ पर सिम ट्रे दी हुई है, इसमें तीनों चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो। बॉटम साइड में आपको एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, एक स्पीकर देखने को मिलता है, और एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ़ोन जो है सैमसंग One UI पे वर्क कर रहा है, Android 9.0 आपको देखने को मिलता है। फ़ोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है सैमसंग का 7904 प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो पबजी वगैरह आप खेल सकते हो, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट की कैमरे की क्वालिटी की बात करोगे तो इतनी अच्छी डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब स्क्रीन टोन है वो बेकार सी देखने को मिलेगी। तो इतना अच्छा फ्रंट में कैमरा वर्क नहीं करेगा। बैक साइड में आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत क्वालिटी आपको ठीक मिल सकती है, बट जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ़ोन में आपको तकरीबन 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 15 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ में आती है। और यहाँ पर एक बार मैं बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ, देखते हैं फिंगरप्रिंट कैसा वर्क करता है। हालांकि मुझे लगता है कि सैमसंग का फिंगरप्रिंट इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, क्योंकि पहले मैंने A50 भी यूज़ किया हुआ है, A30 भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन भी जाएगा कि फ़ोन कैसा वर्क करता है। हालांकि इतने अच्छे तरीके से सैमसंग के फिंगरप्रिंट इस प्राइस रेंज में वर्क नहीं करते हैं। हालांकि आप मुझे बताइए कि 17,000 रुपये की कीमत में क्या आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, मतलब 720p+ का पैनल दिया हुआ है और इतना अच्छा प्रोसेसर भी नहीं है, सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दी गई है फ़ोन में कि आपको 17,000 रुपये खर्च करने पड़े इसके लिए। फ़ोन में आपको HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और फिंगरप्रिंट देखते हैं कैसा है। अभी मैं इसे फ़िलहाल सेट कर रहा हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर पाता है। फेस अनलॉक वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करती है, और यहाँ पे फुल स्क्रीन के लिए बोल रहा है तो कर लेते हैं एक बार। हालांकि काफ़ी ओवर प्राइज निकाला है इस फ़ोन को, अगर आप इसकी जगह A30 भी खरीदते हो तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये फिंगरप्रिंट डेफिनेटली ऐड हो चुका है, अगर यहाँ पे लॉक और अनलॉक करता हूँ तो A50 से अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब इतना बेकार भी नहीं है, आप कह सकते हो कि एक्यूरेट वर्क कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, बट
अब नो मैच आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सैमसंग के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनमें कुछ इशू रहता है कि आपको कभी कभी नो मैच का इशू करता है और कभी अनलॉक हो जाता है। सो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का फ़ोन देखने को मिलेगा आपको, जो कि 17,000 रुपये की देखने को मिलेगा। आप 17,000 रुपये कीमत में अगर आप इसे ख़रीद रहे हो तो शायद वीवो Z1 प्रो या फिर रेडमी नोट 7 प्रो या फिर कोई और फ़ोन ख़रीद सकते हो। हालांकि डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बैक साइड आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है, कोई ग्लास या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।